हरा भाई जोगिंदर, वैसे इनके ऊपर मैं वीडियो बनाने से पहले मुझे थ्रेट आ चुकी है, मुझे धमकी आ चुकी है। अब सोच रहे हो कि कैसे, सुनो। ये यूट्यूबर नहीं मानेंगे, ओ छपरी यूट्यूबर, अभी एक और आया मार्केट के अंदर। अच्छा, ऐसा भी है क्या? किससे पूछ के रोस्ट मारा ये बता मेरे को, तेरी हिम्मत हो गई? ओ भाई बस कर, तू इतना बड़ा भी सेलिब्रिटी नहीं है कि तेरे से कुछ करने से पहले पूछना पड़े। सेलिब्रिटी छोड़ यार, सेलिब्रिटी भी कौन सा आकर के परमिशन देता है या फिर कोई जाकर के उससे परमिशन लेने के बाद उसको रोस्ट करता है। मैं यहाँ पे रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, एकदम रोस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई लोग, तुम लोगों को पहले बता रहा हूँ, थारा भाई जोगिंदर साला बोल कैसे लेते यार, हर वीडियो में ऐसे ही ठोक पीट के बात कर रहे हैं। ये शायद अर्णब गोस्वामी के भाई साहब है, क्योंकि अर्णब गोस्वामी को भी लगता है कि चीख चिल्ला करके अगर बोलेंगे, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, और इतने धाकड़ बनकर अगर बोलेंगे तो सारी चीजें सच्ची होंगी। तो भाई इनको भी यही लगता है कि लोग इनके बारे में भी यही सोचे। अब मैं ये कह करके ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये भाई साहब गलत है, क्योंकि देखो प्रूफ तो ना इन्होंने दिया है ना किसी ने निकाला है। इन्होंने एक बार 18 करोड़ का इंजेक्शन के लिए फंड इकट्ठा कर लिया, लोगों ने उसको सपोर्ट किया, आप इसको सपोर्ट कर दो 18 करोड़ रुपए। जो लोग नए हैं उनके लिए झटका लग गया ना, 18 करोड़ के इंजेक्शन के लिए फंड इकट्ठा कर लिया, मतलब लोगों ने 18 करोड़ तो नहीं दिया पर 2.5-3 करोड़ रुपए दे दिए, और 2.5-3 करोड़ रुपए दे दिए मतलब समझ रहे हो, अगर वो सही जगह पे नहीं लगा और सही लोग तक नहीं पहुंचा तो अगर अगली बार किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, सीरियस प्रॉब्लम जिसमें सच में मदद की जरूरत होगी, तो लोग यही सोच करके फंड नहीं देंगे कि क्या पता फिर से कोई थारा भाई जोगिंदर आए और तुझे लूट ले जाए। सॉरी। देखो यार मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन यार पहले देखा लक्ष्य चौधरी ने बनाया, फिर सम्राट भाई ने, जो कि मेरे हिसाब से YouTube के जुड़वा है। दोनों में से कोई भी एक वीडियो बनाए उसका दूसरा वर्जन जो है दूसरे भाई सब ले आते हैं। अब देखो मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बस इनके अगेंस्ट इस बात पे हूँ कि ये लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए बहुत आगे है। पहले मैं इनका वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए देखता था, फिर धीरे धीरे फील हुआ कि भाई तू यूट्यूबर मत बन, ऑलरेडी इतने यूट्यूबर बैठे हुए हैं, तू क्या ही कर लेगा भाई। एक पल के लिए तो मन किया, मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब पैदा किया है, नहीं तो फिर मन किया कि ऐसा कैमरा लूं और बोलूं, हेलो दोस्तों देख रहे हो आप लोग, हम लोग अभी खाना खाएंगे। आई एम नॉट रोस्टिंग एनी वन, आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन, आप समझ पा रहे हो कि मैं किसके बारे में। तो इन दोनों ने मिलकर के वीडियो छापा, तो उसके बाद से फिर मुझे भी समझ में आया, हाँ भाई कोई तो है थारा भाई जोगिंदर करके, जो कि भाई ऐसे ऐसे करके करते हैं, जो कि भाई झाड़ियों को खेत बताते हैं और बच्चों को बेवड़ा बताते हैं, कुछ भी बताते हैं यार। इनका इंस्टाग्राम रील जाकर के चेक करो तो पता चलेगा भाई ये कितना हकते हैं। तो मुझे इंटरटेनिंग लगा, सब कुछ सही लगा, उसके बाद से फिर मैंने सोचा यार क्या है इनका देखते हैं। तो सीरियसली जब मैंने इसको नोटिस करना शुरू किया इसके सारे वीडियोस में, तो पता चला कि पहले इनका पहनावा, इनका बोलचाल, इनका हेयर स्टाइल सब कुछ डिफरेंट था, और बाद में जो है इनका हेयर स्टाइल, इनका पहनावा, इनकी गाड़ी चाड़ी सब कुछ एकदम डिफरेंट हो गया यार। अब देखो लोगों का ये कहना है कि इन्होंने सारा पैसा खा लिया है, जो डोनेशन में मांगा था वो खा लिया इन्होंने। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने खाया है या नहीं खाया है, लेकिन कुछ तो दिख रहा है बॉस, कुछ तो दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इज अ फ्रॉड, लेकिन कुछ तो दिख रहा है। अब देखो ये बंदा ना इतना बड़ा दिल वाला है कि जहां पे पूरी दुनिया ने एक इंसान को रोस्ट किया, जिसको कैरी मिनाटी ने शुरू किया था रोस्टिंग करना, उसके बाद से पूरी दुनिया हाथ धो के पीछे पड़ गई थी, और ये बंदा जो है इंडिया गॉट टैलेंट तक में भी आया था। माओ कैसे साला ये चुम्मी देता है यार, कौन सा तरीका होता है, 2 साल का बच्चा भी ऐसा एक्टिंग करके चुम्मा नहीं देता होगा यार जैसे इंसान चुम्मा देता है। तभी इंसान ने पिछवाड़े से बलून भी फुलाए थे, वो बंदा जो है इस बंदे को रोस्ट कर गया। बिल्कुल वैसे ही इस भाई साहब के सामने दीपक कलाल भी सेंसेबल लगने लग गया। तो ये लाइव जा करके सोचे थे दीपक कलाल की बैंड बजा देंगे, क्योंकि सब उसको जो है झाड़ू डाल के मोर बना देते हैं, ये सोचे हम बना देंगे, पर दीपक कलाल आए और इनके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के मोर बना डाले। मुझे भी मोर बनाना नहीं चाहता था झाड़ू डालकर, लेकिन आज मजबूरी देखकर गोंग में झाड़ू डालना पड़ रहा है तेरे। नहीं तो तेरे को मोर नहीं बनाना चाहता था मैं, लेकिन तेरे को है ना सर्विसिंग चाहिए हर सप्ताह में। अब भाई इतना कुछ होने के बाद में यहाँ पे लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई और इसके अलावा ना जाने कितने सारे यूट्यूबर ने रोस्ट कर डाला, उसके बाद से इनको एक अलग से चुल हुई कि हम जवाब देंगे। तो उसके बाद से ये रिप्लाई करने के मूड में आए, इंस्टाग्राम पे इनको खींच करके लाए सम्राट एंड लक्ष्य के पूरे गैंग, मतलब हरियाणा के जितने भी जाट लौंडे है ना, पूरे गेंद पकड़ के इसकी मारने की सोच लिया। कट मार दो यार मेरे को, अगर रोस्ट तुमने दोबारा कर दिया ना तो फिर देखो मैं क्या हालत करता हूँ तुम लोगों की, मैं सीरियसली डर चुका हूँ भाई। मारा भाई जोगिंदर, आई एम नॉट रोस्टिंग यू, बस थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला लगा करके चटकदार बना रहा हूं। तो भाई ने लाइव आकर के कहा कि तुम लोगों को परमिशन लेनी चाहिए, और जितने भी ये छपरी यूट्यूबर है यार, छपरी पहले टिकटॉकर हुआ करते थे, यूट्यूबर भी हो गए,
नहीं मेरे बाल ठीक है तो मैं तो नहीं हूँ, तो ये उन लोगों के लिए, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सबको धमकी दे डाला कि एकदम नहीं करने का ये सारी चीज। तो इन्होंने सवाल किया कि आपने जो क्लेरिफिकेशन दिया है डिजिटल मीडिया पे आकर के कि भाई देखो सब कुछ हिसाब किताब हो चुका है, घर के अंदर में अभी इतने सारे लोग आए, पूरे पंचायत के लोग आए, अलग अलग गाँव से लोग आए, और आने के बाद में जो है हिसाब किताब एकदम बराबर से मैंने दे दिया है, अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तो इसी बात पे सम्राट भाई ने लपेट लिया, लक्ष्य चौधरी ने लपेट लिया, और दोनों ने मिल करके अच्छे से गेंद मार डाला। भाई साहब जो है वो स्टार बन चुके हैं जो रातों रात स्टार बनते हैं, और ऐसे लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि फिर वो जो है लोगों के साथ में जिस एटीट्यूड से बात करते हैं ना, हाथ नहीं लगाने का निकाल हाथ, ऐसे करके बोलेंगे। तो उन्होंने सीधा बोला, तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते क्या, ना दाढ़ी बनाते ना बाल बनाते, क्या करते क्या हो तुम लोग, आज ही जाकर के मैं भीख मांग के पैसा लाऊंगा और अपनी दाढ़ी सबसे पहले बनाऊंगा। मैं सच बताऊं तो उन चूतियों पे मुझे हंसी आती है जिनके हिसाब से क्लीन शेव्ड होना डिसेंट होना होता है, और अगर आप अच्छा सा दाढ़ी रखते हो शेप के साथ में, वो तो तुम साले जंगल से हो बे। इनके हिसाब से आप कपड़ा अच्छा पहनो, आप क्लीन शेव्ड रहो, और गाड़ी में अगर घूमो भले से वो थर्ड हैंड गाड़ी क्यों ना हो, तो ही आप में स्टेटस आता है, मतलब हम पैदल चलने वाले तो चूतिए ही। तो इसके जवाब में भाई लक्ष्य चौधरी ने कार्ड्स के भरमार लगा दिए, एक्सिस देख, SBI देख, ये देख, वो देख, सारे बैंक्स के कार्ड गिनवा दिए यार, मतलब भाई को लग गया यार। सम्राट भाई भी बहुत अच्छे से मजाक के मूड में थे, लेकिन इन्होंने ऐसा बैंड बजाया कि उसके बाद से जो है आदि मानव उसने कह दिए बद्दुआ देना बनकर, और हम लोगों के बारे में इस तरह से बोल मत क्योंकि तुझे पता नहीं है हिस्ट्री, हमने कितने लोगों के लिए फंड रेज करके दे भी दिया और दुनिया जानती भी नहीं है, और तेरे जैसे फ्रॉड भी नहीं किए, मतलब इन्होंने नहीं किया होगा फ्रॉड, ऐसा कुछ नहीं है। बस बस भाई जिस तरह से आग करके छाती पीटते हैं ना, कुछ दिन के बाद इनको फंड इकट्ठा करना पड़ेगा चेस्ट पेन के लिए, या फिर दिल में होल होने के लिए, या फिर पता नहीं गांड में भी होल होने के लिए। तो समझ चुके होगे क्या कह रहा हूं, इनको जाकर के हेट बिल्कुल भी नहीं देना है, उल्टा जाकर के अगर आपको एंटरटेन होना है तो भाई दीपक कलाल और लक्ष्य चौधरी, या फिर दीपक कलाल और हमारा थारा भाई जोगेंदर, इनका वीडियो जाकर के देख लो लाइव वाला, काफी एंटरटेन हो गए अगर मेरे इस वीडियो से नहीं हुए तो, छी है तुम पे, इस वीडियो को देख के भी एंटरटेन नहीं होते। Hey guys, that's it from my side. मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये टॉपिक क्या चल रहा है और इनका किस तरह से अभी जो लाइव सेशन चला है फिलहाल में ही वो कैसा है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर ज्यादा पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना है तो जा करके देखो यार, बहुत ज्यादा एंटरटेन हो जाओगे और देखने के बाद लास्ट में गुस्सा भी आ जाएगा, लेकिन मेरे तरह ही कूल रहना, डोंट हेट हिम, कहीं ना कहीं उसने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, भले से यार उसने इतने सारे पैसे नहीं दिए होंगे लेकिन कुछ तो दिए होंगे, और इनके वजह से जो है आप लोगों को हेल्प करना मत छोड़ो, क्योंकि आप लोग जो प्यार देते हो ना किसी को मुसीबत में देखने के बाद में, प्यार से अपने दिल से अपनी इमोशन से जो हेल्प करते हो, वो हेल्प करना कभी भी मत छोड़ना। हाँ, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, जहाँ पे बुराई है वहाँ अच्छाई भी है, सो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना, और कभी भी यार किसी को हेल्प करने से पीछे मत हटना। दैट्स इट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, साइन एंड हास्ता ला विस्ता।